एक शर्त होता है कि जब सदगुरु के पास जाते हैं, जब गुरु मुख का मतलब हो गया अपना मन सदगुरु के मन के हिसाब से चलाना, ठीक है। जब तक अर्जुन विराट रूप नहीं देखे थे तब तक भगवान कृष्ण से तरह तरह का प्रश्न किए, और जिस दिन विराट रूप देख लिए उसी दिन से हाथ जोड़कर बोले प्रभु मैं। भगवान कृष्ण को तो मालूम था कि भविष्य का मेरा शिष्य है, लेकिन अर्जुन को नहीं मालूम था कि मेरा भविष्य का गुरु है, उसे उन्हें नहीं मालूम था। लेकिन इसलिए सदगुरु को मालूम होता है कि कल कब मेरा साथ छोड़ेगा, उसको नहीं मालूम, लेकिन सदगुरु को पता होता है कब तक रहेगा। इसलिए सदगुरु पहले से सतर्क रहता है कि छोड़ेगा तो ठोकर खाएगा, इसलिए लाओ कोई ऐसी व्यवस्था कर दे। माँ बाप करते हैं ना कि लड़का नालायक निकल गया, हम नहीं रहेंगे तो कैसे भाई इसका परवरिश चलेगा, लाओ कुछ खेती बाड़ी कर दे, कुछ पैसे भी कर दे, कहीं नौकरी लगा दे, सोचते ना। उसी तरह सदगुरु सोचता है कि यह तो इसका अंतःकरण ऐसा है कि मुझसे तो दूर हो जाएगा, लेकिन लाओ कुछ ऐसा इसको कर दे।